अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का दिन है मंडे का और मुझे जो है वो मंडे को बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे थोड़ी बहुत ग्रोसरीज लेकर आना है और अपनी गाड़ी में गैस फिल करनी है या गाड़ी की सर्विस करानी है। वही काम होते हैं जो हम वीकेंड्स के बाद, मंडे आता है और सबके लिए बिज़ी दिन होता है, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन होता है मंडे और ट्यूसडे। तो इन दो दिनों में मैं अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि वेंसडे को अलाया का ऑफ होता है तो फिर मैं पूरा दिन घर पर होती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को लेकर मैं बाहर चली जाती हूँ वेंसडे को, क्योंकि अब्दुल अहद का हाफ डे होता है और यहाँ पर हमें गैस भी खुद फिल करनी पड़ती है, तो सारे काम मोस्टली हमें खुद ही करने पड़ते हैं, कोई भी किसी चीज़ में हमारी हेल्प नहीं कराता है। तो गैस फिल करने के बाद अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने, बराबर में ही ग्रोसरी स्टोर है मेरे घर के, तो मैंने सोचा कि वहीं से चली जाती हूँ। और यही वही वीकली चीज़ें होती हैं जो कि लाना ज़रूरी होती हैं, जिसमें हरी मिर्चें हो गई, धनिया और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। मैं बल्क में नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि बल्क में जब ले आते हैं तो कभी मेरा मूड होता है कि चलो यार पका लिया, कभी नहीं पका लिया, कभी मैं एक नेक्स्ट डे भी उसको चला लेती हूँ जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है। तो हमेशा मैं यही करती हूँ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें क्वांटिटी में नहीं लेती हूँ, सब्ज़ियों की खासकर, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती हैं और फिर वो रिस्क की बेइज्जती हो जाती है, उसको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं वीकली जाकर, मंडे को मेरा दिन होता है या संडे को, मैं जाकर थोड़ी बहुत जो भी ग्रोसरी फिनिश हुई होती है घर पर वो कर लेती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इवन कमेंट्स भी करते हैं आप लोग इतने अच्छे, तो उससे ही मेरा जो है हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। और लेज़ी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि सर्दियों में तो बस आपको पता है एक ही काम होता है कि गरम गरम बिस्तर पे लेटे रहो या टीवी चल रहा हो और मुँह चल रहा हो, कुछ भी खाते पीते रहो। लेकिन ज़िंदगी है, वक्त के साथ साथ हमें सारे काम भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। और टाइम टू टाइम मंडे का दिन मेरा बहुत टफ़ होता है, आपको मैं बता नहीं सकती कि बच्चों को स्कूल छोड़ा, घर आई, नाश्ता करवाया, फिर जल्दी से जो दो चार काम कंप्लीट करने होते हैं वो किए, फिर बच्चों को स्कूल से ले कर आती हूँ, फिर अब्दुल अहद की एक क्लासेस होती हैं वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप, और पूरा दिन मेरा भाग दौड़ में गुजरा होता है। लाइक एक पाँव मेरा घर पे होता है, एक पाँव मेरा बाहर होता है, बस इसी तरह ही मेरी जो है वो रूटीन चल रही होती है। किसी दिन मंडे की भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरे रूटीन ब्लॉग देखना अच्छा लगता है और मुझे भी बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे घर के काम ही दिखाना अच्छा लगता है, ताकि आप लोग जिस तरह से मोटिवेट होते हैं तो दूसरे लोग भी ऐसे ही मोटिवेट हों। और यहाँ पर मुझे सब्ज़ियाँ लेनी थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना, तो मैंने सोचा कि आलू गोभी के साथ कुछ एक्स्ट्रा दो तीन चीज़ें भी बना लेती हूँ, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। और यहाँ पर कपकेक्स ख़त्म हो जाते हैं 2 वीक्स में, ये वाले 2 पैकेट वीक एंड हाफ में ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मैं जाकर ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। तो मैं बच्चों को भी एक एक कपकेक देती हूँ, और ये कपकेक लाइक 1 बाइट कपकेक हैं, तो दो तीनों बच्चे माशाल्लाह मेरे शौक से खा लेते हैं। और ये हैं मेरे फेवरेट स्नैक्स, पिकॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्नैक्स में मैं कुछ जो है ना वो पैटीज़ और इस तरह के समोसे रोल नहीं खाती हूँ। जब स्नैक टाइम होता है शाम में, अगर मेरा दिल करता है कुछ भी खाने का तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, वो भी गिनती के, क्योंकि आपको पता है कि अपनी कैलोरीज कंट्रोल करके खाना बहुत ज़रूरी है अपनी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इतनी भूख लग रही होती है कि हम अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं। मेरे साथ तो तभी ऐसा होता है जब मैं बिरयानी बनाती हूँ, लाइक वो होती है ना कि आपका पेट भर जाता है लेकिन नियत नहीं भरती है, तो बिरयानी अगर आप मुझे पूरा एक हफ़्ता भी देंगे ना, तो मैं तो उसको पूरे हफ्ते ही खाऊंगी 3 टाइम, जो इतनी पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो ये है मेरी थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो मैंने आज डन कर ली है, और अब जा रही हूँ मैं अलाया को पिक करने, फिर उसके बाद घर जाऊँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ स्नैक्स बना देती हूँ, तो स्नैक्स में तो फ्रेंच फ्राइज़ ही अच्छे लगते हैं और बच्चे माशाल्लाह शौक से भी खा लेते हैं, इवन बच्चे क्या बड़ों के भी फेवरेट स्नैक्स होते हैं। और जब मैं छोटी थी तो जब खेलने का टाइम होता था शाम में, तो मैं और मेरी दोस्त तो एवरी डे हम लोग जो शाम में जाते थे, नीचे चिप्स की दुकान होती थी, वहाँ से खड़े होकर चिप्स खाना गरम गरम, और लाइक बहुत मज़ा आता था, वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और यहाँ पर इवन अब्दुल अहद भी जब होने वाला था, तो मेरी शाम की क्रेविंग ही यही थी कि मुझे कोई भी और एक्स्ट्रा स्नैक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ और
में मैं पकोला पीती थी, तो बस यही मेरी स्नैक्स रूटीन रहती थी प्रेगनेंसी में, अब्दुल अहद की दफ़ा में। और सिर्फ मुझे सब्जियां खाने का शौक़ होता था, और मैं कोई भी गोश्त मुर्गी वगैरह, मुझे उन सब से जो है ना, वो एक तरह से जो चिड़ होती है ना वो, और सबसे ज़्यादा चिड़ मुझे घर की रोटी से हो गई थी। मुझे सिर्फ नान पसंद आते थे। तो मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी जो है वो प्रेगनेंसी स्टोरी, और क्योंकि काफ़ी लोगों ने भी मुझे बोला हुआ कि आप प्लीज़ स्टोरी टाइम करें और हम लोगों से शेयर करें कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस और अमेरिका का एक्सपीरियंस कैसा था। तो यहाँ पर फ्राइज़ हो गए थे रेडी, और इस मैं वैसे इस तरह से नहीं बनाती हूँ, पहले मैं बॉयल कर लेती हूँ, उससे थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं और एक जैसा कलर आता है। लेकिन आज बस जल्दी में मैंने जो है वो ऐसी बना दिए कवर करके, इससे भी अच्छे बने, थोड़े से क्रिस्पी बने। और मैं हमेशा आलू जो है ना थोड़े मोटे काटती हूँ, क्योंकि जब आप पतले काटें तो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मोटे मोटे रखें आलू को, थोड़े से थिक में रखें, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो ईजिली फिर खा भी लेते हैं। और अब टाइम हुआ है कुछ बर्तन धोने का। स्नैक्स के बर्तन थोड़े से रखे हुए थे मैंने, कहा साथ ही धो देती हूँ, क्योंकि फिर वो पाइल इकट्ठा होता रहता है और फिर दिल नहीं होता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही होती है। आप लोग मुझे बताएं कि सर्दियों में आप लोग लेज़ी फील करते हैं या नहीं। आई मीन बस वही दिल करता है ना कि खाते रहो, कंबल में लेटे रहो और टीवी देखते रहो। घर की जो तीन ऐसी चीज़ें हैं ना जिनमें से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती है, अब वो कम नहीं होती है, उसमें से वो बढ़ती रहती है। एक है हमारे घर के बर्तन, कपड़े और कचरा। ये तीन चीज़ें हैं। मैं एवरी अदर डे जो है वो कपड़े मशीन लगा लूँ, वो फिर भी दो लोड्स हो जाते हैं। और बर्तनों का भी यही हाल होता है कि वो अगर हाथ के हाथ धुल जाए तो फील नहीं होता है, लेकिन अगर जो पाइल इकट्ठा हो जाए तो बस यही फील हो रहा होता है कि कोई आकर हमारी मदद कर दे और बर्तन धो जाए। लेकिन फिर क्या करें, अगर जो इंसान अकेला रहता है ना तो वो ही मेरे दुख को समझ सकता है। और यहाँ पर खाना आ चुका था, और खाने में था मिक्स बारबेक्यू। ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस जगह से ट्राई किया था, और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। रिव्यूज़ तो इतने अच्छे थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इनकी सिर्फ दो ही चीज़ें अच्छी थी, एक थी बिरयानी और दूसरा था रैप, सीख कबाब रैप। बारबेक्यू जस्ट ओके था, एवरेज था, और निहारी का निहारी नहीं थी, वो कोई सालन लग रहा था। लेकिन इनकी बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल कराची स्टाइल की जो सिंधी बिरयानी होती है ना वैसे ही थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो हम लोग हमेशा जो है ना वो रिव्यूज़ देख कर ही जाते हैं, और इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना है, ऑथेंटिक है, लेकिन सिर्फ बिरयानी अच्छी है और रैप बहुत अच्छा है, इनके पराठा भी बहुत अच्छा था। तो हमारी कोशिश यही होती है कि एवरी वीकेंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों के जो है हम लोग सर्च करते हैं कौन से अच्छी जगह का खाना है, फिर हम वहीं से मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देसी रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि हमें पाकिस्तान की जो है वो ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उनके खाने बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होते हैं, अच्छे मज़े के। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी हैंडबैग्स की कलेक्शन, क्योंकि काफ़ी टाइम से ड्यू थी, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रेडिश मरूनिश सा पर्स है छोटा सा, मुझे पहले बहुत ज़्यादा बड़े हैंडबैग्स का पर्स था, लेकिन अभी मुझे छोटे से क्यूट से पर्स ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये येलो कलर का ऑल्टो में है, और ये भी जब मैंने लिया था आप लोगों को दिखाया था, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, नेवी ब्लू कलर का है, ये वेलवेट टेक्सचर में है, ऑल्टो का ही है। और यहाँ पर ये रेड कलर का गुची का है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, और ये भी आप लोगों ने शायद देखा हुआ है किसी भी पिक्चर में। ये वाला मैंने अभी लिया है रिसेंटली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ब्राउन वाला कैरी किया था, ये शनैल का है ब्लैक कलर का। ये नो कोई नेम ब्रांड नहीं है, जस्ट रेगुलर सिंपल पर्स है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, और ये मेरी एक आंटी ने गिफ्ट किया था जब मैं जॉब करती थी, और ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। और ये वाला जो बैकपैक है, ये मुझे गेस्टन लुगा ने भेजा था, और इनके उनके पास अभी भी बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं। मैं डिस्काउंट कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कर दूंगी, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये मेरा डेली रूटीन का अपर टॉट बैग है, लुई विटॉन का, जो कि इसमें बच्चों के डायपर्स वगैरह सब मैं रखती हूँ। मेरे पास डायपर बैग भी है, लेकिन अब मैं जब ट्रैवलिंग पे जाती हूँ वो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी कलेक्शन है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि मैं इसमें से एक पर्स गुड गिव अवे करने वाली हूँ, या मैं ये येलो वाला गिव अवे करूँगी, या फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला गिव अवे करूँ, या मैं ब्राउन वाला करूँगी, या फिर मैं गेस्टिन लुगा वाला करूँगी। तो ये तीन पर्स मैंने पिक किए हैं, और आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला पर्स जो है वो मैं गिव अवे रखूँ।
आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा जो पर्स है मुझे गिव अवे करना चाहिए है, और जिस पर्स के ज़्यादा कमेंट्स होंगे वही गिव अवे मैं रखूँगी, डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी इंशाल्लाह। और ये है मेरी, जो बोलते हैं ना कि किसी को कपड़ों की ख्वाहिश होती है, मुझे पर्स की ख्वाहिश होती थी हमेशा से ही, और ये थी सारी कलेक्शन। आई होप कि आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।